शुरी तो सान लगान दोख दा गई माज ड्यूटी इन और हमल जिन खेमो दुख वह रुपये ईद से बोर्ड तमन अथल लारो सत्या वह रुपये सलने कहें कि अल्लाह की कसम हमको दर्द होता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है मुझे, लेकिन उस्ताद ज़ाकिरान वो भी नहीं सुनते हैं कि मुझे दर्द है, मैं आज स्कूल नहीं आ सकती हूँ। वो कहते हैं तुम्हें आना है, हम जवाब क्या देंगे जाडिया ऑफिसर को? अगर वो आएगा वो देखेगा हमारे स्कूल में बच्चों को खाना नहीं मिलता। तनख्वाह नहीं तो काम नहीं। आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं हेडलाइंस टुडे और मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर अब्दुल कुजूम। नाज़रीन, इस टाइम हम मौजूद हैं हिस्टोरिकल चिनार पार्क हंदवारा में। मैं आपको बताता चलूं, कंटीजेंट पेड हो या CPW, टाइम एंड अगेन ये लोग सड़कों पे आते हैं। इनकी जायज डिमांड ये है कि हमारे जो वेजेस हैं वो बहरहाल कई सालों से बिल्कुल पेंडिंग है। ये जो लोग हैं बहरहाल एजुकेशन सेक्टर में रीढ़ की हड्डी का दर्जा रखते हैं। अगर इन लोगों की बात करें, बहरहाल वजीर आजम तब से थे जब सरहद पे एक फौजी अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहा होगा, उसी तरह ये भी रीढ़ की हड्डी का दर्जा इसलिए रखते हैं हमारे बच्चे जब सुबह स्कूल का रुख करते हैं तो वहाँ जिस साफ पानी और इर्द गिर्द के माहौल को साफ रखने के साथ साथ उसातिज़ा की कुर्सियों को सफाई और संभालने वाला भी यही कर्मचारी है। बहरहाल हमारे बच्चों का मुस्तकबिल तब मुमकिन है जब इनकी सेहत सही हो, जिसको सवारने और बागबान जैसी रखवाली करने वाला यही कुक और कंटीजेंट पेड आरजी मुलाजमीन है। इस पूरे मामले के हवाले से जो आज इन्होंने यहाँ पे प्रोटेस्ट किया, जो इन्होंने काम छोड़ हड़ताल का फैसला आज दिया, पूरी सूरत हाल के हवाले से हमने कई एक एग्जीक्यूटिव बॉडी के जो मेम्बरान इनके हैं उनसे बात की और जानने की कोशिश की, क्यों कर आप टाइम एंड अगेन सड़कों पर आते हैं, क्यों कर आप हुकूमत वक्त के खिलाफ अपना एहतजाज दर्ज करते हो। बहरहाल इनका क्या कहना है इनसे जानने की कोशिश करेंगे। कोशिश करूंगा, क्यों कर आज सड़कों पे आए हो आप, क्या डिमांड है आपकी? हमारी डिमांड सर ये है कि हम 20 साल से स्कूलों में कुक के तौर पर काम करते हैं, खाना पकाते हैं, बच्चों को खाना देते हैं, सब्जी पकाते हैं, जो भी हमको वहाँ उस्ताद साहब करने के लिए कहते हैं हम वो करते हैं। उस्ताद ज़ाकिराम हमको फ़ोन करते हैं कि स्कूलों पर आ जाओ, लेकिन हमारा तनख्वाह जो है वह गुजार नहीं हुआ है पिछले 1.5 साल से 2 साल से हुआ है। इसलिए हम कहते हैं एक हमारा तनख्वाह वह गुजार करो, दूसरे आज क्या आता है एक मजदूर को 30 रुपए में दिन का, 30 रुपए में क्या आता है एक गरीब मजदूर को क्या आता है? इसलिए हम गुजारिश करते हैं मोदी साहब से, हम गरीब औरतों या गरीब भाइयों को देखें, आप हमको सुने, आप हमको जाने कि ये सच कहते हैं या झूठ। कि वुमेन एम्पावरमेंट जैसे औरतों के हकूक के हवाले से आज हमारे सामने तकरीबन हमारी माएँ बहनें 150-200 के करीब पीछे खड़ी हैं, क्या कहना चाहोगे इस वुमेन एम्पावर के हवाले से? हाँ, मैं सबसे बड़ी बात ये कहना चाहती हूँ कि अल्लाह की कसम हमको दर्द होता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है मुझे, लेकिन उस्ताद ज़ाकिरान वो भी नहीं सुनते हैं कि मुझे दर्द है, मैं आज स्कूल नहीं आ सकती हूँ। वो कहते हैं तुम्हें आना है, हम जवाब क्या देंगे जाडिया ऑफिसर को? अगर वो आएगा वो देखेगा हमारे स्कूल में बच्चों को खाना नहीं मिलता, हम क्या जाओ? इसलिए मैं उनसे गुजारिश करती हूँ, चाहे हमें दर्द हो या कोई और प्रॉब्लम हो घर में बच्चों के हवाले से या किसी भी सदस्य के हवाले से, किसी अपने सेहत के हवाले से, लेकिन हमको जाना पड़ता है। सर, मैं जानने की कोशिश करूंगा, क्यों कर आप टाइम एंड अगेन सड़कों पे आते हैं और आप अपनी जायज़ डिमांड्स मनवाने के लिए गवर्नमेंट पे दबाव डालते हो, और आज तक अरबाब इक्तदार क्या इस हवाले से कोई इनिशिएटिव उठाने के लिए सामने आए या नहीं? सर देखो, आज तक जो है जो डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन है उन्होंने तो हमें साथ दिया था, उन्होंने अपने प्रपोजल किया था मिनिमम वेजेस के लिए, लेकिन आगे उनको जो फाइनेंस डिपार्टमेंट वो नहीं देते हैं। देखिए, हम एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम करते हैं, हमारी यूटिलाइजेशन एजुकेशन डिपार्टमेंट होती है, लेकिन ऊपर जो ये बैठे हैं
ब्यूरोक्रेट्स जो जिनके जो यहाँ हमारे जो हमारे गरीबों का तकदीर लिखे नाउज़ बिला खुदा बन बैठे हैं उनकी वजह से ये सब डिस्टर्बेंस हो रही हैं। कुछ मखसूस होंगे वो फाइनेंस में, कुछ ऐसे चार या पांच ब्यूरोक्रेट ऐसे होंगे जिनकी वजह से अभी हमारे जो इतनी फैमिलीज हैं लगभग वी आर अबाउट 60,000 साउल्स तो ये सफ़र कर रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती से हमने आज तक ये कोशिश की थी कि पीसफुल प्रोटेस्ट से ही हमारा मसला हल हो गया होगा, लेकिन बदकिस्मती से ये ऐसा नहीं हुआ। लेकिन अब आज हम मजबूर हो गए सर ये अपना ये एहतजाज करने के लिए, काम छोड़ हड़ताल करने के लिए। सर आज मजबूर इसलिए हो गए क्योंकि ये आपको पहले मैं इस पर ले के चलता हूँ सर। सर ये एक हेड मास्टर है, इसने रूड तरीके से हमारे मंजू साहब से बात की, मंजू साहब ने बात की उसे कि हमने प्रेस नोट भेजा है आपके स्कूल में तो आप थोड़ा कॉपरेट कीजिए। सर इवन बहुत सारे हेड मास्टर ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि नहीं इनके साथ इनको जस्टिस मिले, बहुत सारे हेड मास्टर ऐसे, लेकिन कुछ हेड मास्टर ऐसे हैं जो कहते हैं छम छीट तो छमा कैं कश्मीरी पे वाना तो बेस वन तमन हेड मास्टर बहुत दवा पन बन गिक्स वन या तक अत रफाकत आ तो सू रफाकत वा तहन सत अलबा तम से आर्डर करा ये विकस मतलब सी पीठ ऐसी हेड मास्टर कहीं सर यह मतलब जारी पीठ ऐसी कहीं यह आर्डर करा विकस एक सी पी डब्ल्यू यमस एम बराबर दहन वर्न हिस्सा ना कम वहन वर्न हिस्सा ना कम पोज दुनस सर कहें तमें पे कर सर ठीक है वो कर आर्डर यह आर्डर कर पे स्कूल पे आर्डर एक सी पी डब्ल्यू मेम्बर से कर आर्डर से ऐसे योर कड़ा नोटिस सर हमारी डिमांड फिलहाल तो हमारे डिमांड मिनिमम वेज सर मिनिमम वेज हम डिजर्व करते हैं हमारी फैमिली डिजर्व करती है क्या डिमांड तनखा वन सास रुपये सास बराबर परस त्रम लक्ष ईज पे सतुवु शेत रुपये तुम्हें सतुवन शेत तुम्हें पे पक गर वन तम अच्छे शुरन तो सान लगान दुम दापा अस गए माज ड्यूटी मान और हम जिन खेमो वु रुपये ईद से बोर्ड दस तमन अथल लारो सब वु रुपये सब छल कहीं नयन रुपये ग इन वो अभी कत वन तुम ब्रोट कम से कम गोपि दस सा तो तनखा क्या नयन सब कमर त आए वसित बेल्ट तंड कमर मगर सोन तलाश कहें मजबूर किया यहाँ आने के लिए। जी हमें तो इस वक्त फाइनेंस डिपार्टमेंट ने मजबूर किया सड़कों पर निकलने के क्योंकि एजुकेशन डिपार्टमेंट ने हमारा प्रपोजल जो बनाया हुआ था हमारा साथ दिया हुआ था लेकिन फाइनेंस डिपार्टमेंट ने उसको रिजेक्ट किया। हम 1995 से लेकर 2024 तक सब्र करते आए हुए हैं गवर्नमेंट को, लेकिन शर्म आनी चाहिए गवर्नमेंट को और फाइनेंस डिपार्टमेंट को जो हम जैसे गरीबों के साथ नाइंसाफी चला रही है। 25 रुपये पर हम काम करते हैं स्कूलों में। हम बेहद शुक्रगुजार हैं सीओ साहब ने जिन्होंने बहुत ही इमीडिएट हमारी जो इस हमारी कार्रवाई का रिस्पॉन्स दिया। हम वैसे हम उनके शुक्रगुजार हमेशा रहे हैं क्योंकि उन्होंने हमेशा फॉरवर्ड ही किया हमारा मामला, उन्होंने मांग की। लेकिन इस वक्त हम मजबूरन जो एहतजाज कर रहे थे और इसका भी उन्होंने रिस्पॉन्स पॉजिटिव दिया तो बहुत शुक्रगुजार हैं हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। उनकी हमदर्दी है इस गरीब तबके साथ, लेकिन इसके साथ साथ हम उनसे अपील करना चाहेंगे कि उन हेड मास्टर साहिबान को उनको अपनी तरफ से तमाम जाड़ियों साहिबान तक ये एक लेटर पास करें कि उनको बोले अगर हम जायज़ मुतालबात कर रहे हैं तो कोई दबाव हेड मास्टर साहिबान की तरफ से नहीं होना चाहिए।